गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप धोरण 9 विषय गणित एमां प्रकरण नंबर 5 यूक्लिड नी भूमिति नो परिचय एना केटलाक प्रश्नोत्तरी विषय जोईशुं। मित्रों, आ प्रकरण माथी परीक्षा में खरा खोटा खाली जग्या एक वाक्य में जवाब एवं पूछाय छे, आमां कोई गणतरीना दाखला छे नहीं। एटले मित्रों, आपणे सौ प्रथम प्रेक्टिस वर्क में जे आपेला छे एमाना केटलाक खरा खोटानी वात जोईए। प्रेक्टिस वर्क ना दाखला स्वाध्याय छे, खास मित्रों ध्यान राखजो। प्रेक्टिस वर्क में प्रश्न नंबर पहेलो छे, खरा छे के खोटा ते जणावानुं छे। नीचे केटलाक विधानो आप्या छे, खरा छे के खोटा ए जणावानुं छे। सरखी वस्तुओना बमणा एक बीजाने समान होय छे। सरखी वस्तुओ होय एना बमणा करो तो बमणा करीए ने ए पण एक बीजाने केवा थाय समान, कारण के वस्तुओ सरखी छे। पछी बे ना बमणा करीए तो ए पण केवा थाय समान, माटे विधान केवुं छे, खरुं। बीजुं विधान मित्रो, बे भिन्न बिंदुओमांथी पसार थती असंख्य रेखाओ मळे। तो खास ध्यान राखजो मित्रो, आ विधान खोटुं छे, कारण के बे भिन्न बिंदुओमांथी पसार थाय एवी मात्र एक ज रेखा मळी शके, अने अहींया एवुं कीधुं छे असंख्य रेखाओ मळे। असंख्य रेखाओ मळे एवुं कीधुं, माटे आ विधान केवुं आवशे, खोटुं। त्रीजुं विधान, युक्लिडे थेल्सनो ख्यातनाम विद्यार्थी हतो। युक्लिड ए थेल्सनो ख्यातनाम विद्यार्थी हतो तो खोटुं। युक्लिड ए थेल्सनो ख्यातनाम विद्यार्थी हतो, आ विधान केवुं छे, खोटुं। हवे खास ध्यान राखजो मित्रो, चोथुं विधान के बे भिन्न बिंदुओमां एक थी वधु बिंदु सामान्य न होय, तो बे भिन्न रेखाओमां एक थी वधु बिंदु सामान्य न होय तो आ विधान केवुं छे, खरुं। बे भिन्न रेखाओ होय तो एमां वधु वधु एक ज बिंदु सामान्य होय, सामान्य एटले सरखुं, समान। पांचमुं विधान, एक बिंदुमांथी फक्त एक ज रेखा पसार थाय। एक बिंदु होय एमांथी एक ज रेखा पसार थाय तो आ विधान खोटुं। एक बिंदु होय तो एमांथी असंख्य रेखाओ अथवा तो अनेक रेखाओ पसार थाय छे, एक ज रेखा पसार थाय एवुं कीधुं, माटे आ विधान केवुं आवशे, खोटुं। हवे मित्रो, आमानो प्रश्न नंबर 2 जोईए। प्रश्न नंबर 2 जे विकल्पो छे एमां पहेलो विकल्प, प्रश्न नंबर 2 विकल्पो छे, अहींया खास ध्यान राखजो। पहेलो विकल्प, युक्लिडे तेना प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंटनुं, युक्लिडे तेना प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंटनुं खाली जग्યા प्रकरणोमां विभाजन कर्युं हतुं। तो खास ध्यान राखजो मित्रों, अहींया ऑप्शन्स आपवामां आव्या छे, एमां आंसर आवशे 13 प्रकरणोमां। युक्लिडे नो प्रसिद्ध ग्रंथ जे एलिमेंट्स छे एनुं, एलिमेंटनुं 13 प्रकरणोमां विभाजन कर्युं हतुं। पछीनो प्रश्न, युक्लिड खाली जग्या देशनो वतनी हतो, तो युक्लिड इजिप्त देशनो वतनी हतो। त्रीजो प्रश्न, सौ प्रथम ज्ञात साबिती गणित शास्त्र खाली जग्याए आपी। सौ प्रथम ज्ञात साबिती गणित शास्त्री खाली जग्याए आपी तो थेल्स। चौथो प्रश्न, प्राचीन भारत में लंब चौरस त्रिकोण अने समलंब ना संयोजनथी बनती वेदियोनो उपयोग खाली जग्या माटे थतो हतो। खास ध्यान राखजो मित्रों, प्राचीन भारत में लंबचौरस त्रिकोण समलंबना संयोजनथी बनती वेदी एटले यज्ञ वेदियो, एनो उपयोग सेना माटे थतो हतो तो जाहेर पूजा स्थलों माटे। सेना माटे उपयोग थतो हतो मित्रों? जाहेर पूजा स्थलों माटे। पांचमो प्रश्न, प्राचीन भारत में गृहस्थ कार्यकांड माटे खाली जग्या वेद्यनो उपयोग थतो हतो। गृहस्थ कार्यकांड माटे खाली जग्या वेद्यनो उपयोग थतो हतो तो चौरस अने वर्तुळाकार। केवी वेद्यनो उपयोग थतो हतो? चौरस अने वर्तुळाकार वेद्यनो उपयोग थतो हतो। हवे मित्रो, विकल्प नंबर 6 जोईए। विकल्प नंबर 6, आपेला बे भिन्न बिंदुओमांथी पसार थती खाली जग्या रेखा होय छे, तो आपेला बे भिन्न बिंदुओ होय
तो एमांथी पसार थती अनन्य रेखा होय। अनन्य रेखा एटले एक ज रेखा, अनन्य रेखा एटले बीजो अर्थ शुं थाय, एक ज रेखा होय। सातमो प्रश्न, पृष्ठनी धार खाली जग्या होय छे, तो पृष्ठनी धार एटले रेखाओ। कोई पण पृष्ठ होय, पृष्ठ एटले सपाटी, तो सपाटीनी धार एटले शुं आवे, रेखाओ। आठमो प्रश्न, घन समतल रेखा बिंदु। घन त्रिपरिमाणीय छे, समतल द्विपरिमाण छे, रेखा एक परिमाण छे, अने बिंदु ने एक पण परिमाण होतुं नथी। एटले घन समतल रेखा बिंदु सुधीना चरणों में दरेक चरण में एक परिमाण खाली जग्या जाए छे, तो घटतुं जाए छे। शुं आवशे? एक परिमाण खाली जग्या जाए छे एटले घटतुं जाए छे। नवमो प्रश्न, एलिमेंट्सना पुस्तकमां खाली जग्या व्याख्याओ आपेल छे, तो एलिमेंट्सना पुस्तकमां प्रकरण पूछे तो 13 आवे, अने एलिमेंट्सना पुस्तकमां खाली जग्या व्याख्याओ छे एवं पूछे तो एनो आंसर आवशे 23। केटली व्याख्याओ छे मित्रों? 23 व्याख्याओ। दसमो विकल्प, घन पदार्थ ने खाली जग्या होय छे, तो घन पदार्थ ने आकार माप अने स्थान होय छे। घन पदार्थ ने खाली जग्या होय छे तो शुं आवशे? आकार माप अने स्थान होय छे। तो हवे मित्रों प्रश्न नंबर 3 जोईए। प्रश्न नंबर 3 में खाली जग्याओ छे। प्रश्न नंबर 3 एमां खाली जग्या आपवामां आवी छे, तो पहली खाली जग्या जोईए मित्रों, युक्लिडे रेखाखंड माटे खाली जग्या शब्दनो प्रयोग करेल छे। युक्लिडे रेखाखंड माटे खाली जग्या शब्दोनो प्रयोग करेल छे, तो शुं आंसर आवशे? शांत रेखा। रेखाखंड एटले ज शांत रेखा। बीजो खाली जग्या जोईए के रेखा ए खाली जग्या वगरनी लंबाई छे। रेखा ए खाली जग्या वगरनी लंबाई छे, तो रेखा ए पहोळाय वगरनी लंबाई छे। रेखा ए पहोळाय वगरनी लंबाई छे। रेखा होय अने पहोळाय होती नथी। त्रीजो प्रश्न, श्रीयंत्र ए अंदरो अंदर गूंथायेला 9 खाली जग्या त्रिकोण नुं संयोजन छे। એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય મિત્રો કે અહીંયા ત્રિકોણ, ખાલી જગ્યા ત્રિકોણનું સંયોજન છે, એટલે ત્રિકોણનો પ્રકાર લખવાનો છે। એટલે શ્રીયંત્ર એ અંદરો અંદર ગૂંથાયેલા, શ્રીયંત્ર એ અંદરો અંદર ગૂંથાયેલા 9 સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણનું સંયોજન છે। ચોથો ખાલી જગ્યા, સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાં વપરાતી ઈંટોમાં लंबाई पहोळाई अने जाडाईनो गुणोत्तर खाली जग्या हतो। सिंधु खीणनी संस्कृतिमां वपराती ईंटोमां लंबाई पहोळाई अने जाडाईनो गुणोत्तर 4:2:1 हतो। मित्रों खास ध्यान राखजो, आ प्रमाण 4:2:1 हतुं। पांचमुं विधान, जे विधान साबित करवामां आवे तेने खाली जग्या कहे छे, तो जे विधान साबित करवामां आवे तेने प्रमेय कहे छे। जे विधान साबित करवामां आवे तेने शुं कहेवाय? प्रमेय। छठी खाली जग्या, प्राचीन भारतमां भौमितिक रचनाओ माटेनो महत्वपूर्ण ग्रंथ खाली जग्या हतो, तो खास ध्यान राखजो मित्रों, सुलभा सूत्र। प्राचीन भारतमां भौमितिक रचनाओ माटेनो महत्वपूर्ण ग्रंथ कयो हतो? सुलभा सूत्र। सातमू खाली जग्या, घननी सीमाओने खाली जग्या कहे छे, तो घननी सीमाओने पृष्ठ कहे छे। घननी सीमाओने खाली जग्या कहे छे, तो आंसर शुं आवशे? पृष्ठ। आठमी खाली जग्या, पृष्ठने मात्र खाली जग्या होय छे, तो पृष्ठने मात्र खाली जग्या होय छे, तो आंसर आवशे? लंबाई अने पहोळाई। पृष्ठने शुं होय छे? लंबाई अने पहोळाई।
હવે મિત્રો પ્રશ્ન નંબર ચાર જોઈએ. એક સંખ્યા શબ્દ અથવા તો વાક્યમાં જવાબ આપો. એક સંખ્યા શબ્દ અથવા વાક્યમાં જવાબ આપો. એમાં છ પ્રશ્નો છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો કે થેલ્સ કયા દેશનો વતની હતો. થેલ્સ કયા દેશનો વતની હતો? તો એનો આન્સર આવશે ગ્રીસ. થેલ્સ કયા દેશનો વતની હતો? તો ગ્રીસનો. બીજો મુદ્દો, બિંદુને કેટલા પરિમાણ હોય? તો બિંદુને શૂન્ય પરિમાણ હોય. બિંદુને એક પણ પરિમાણ હોતું નથી, માટે બિંદુને કેટલા પરિમાણ હોય? એનો આન્સર આવશે શૂન્ય. ત્રીજો પ્રશ્ન, ઘનને કેટલા પરિમાણ હોય? તો ઘનને ત્રણ પરિમાણ હોય. કયા ત્રણ પરિમાણ? લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. કયા ત્રણ પરિમાણ હોય? લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ, એટલે કે L, B અને H. એટલે ચોથો પ્રશ્ન, શ્રીયંત્રમાં કેટલા ઉપત્રિકોણ બને છે? તો શ્રીયંત્રમાં કુલ 43 ઉપત્રિકોણ બને છે. કેટલા ઉપત્રિકોણ બને છે? 43. મિત્ર આગળનો પ્રશ્ન, સમતલને કેટલા પરિમાણ હોય છે? તો સમતલને બે પરિમાણ હોય છે. કયા બે પરિમાણ? તો લંબાઈ અને પહોળાઈ. કયા બે પરિમાણ હોય મિત્રો? લંબાઈ અને પહોળાઈ. છેલ્લો પ્રશ્ન, રેખાને કેટલા પરિમાણ હોય? તો રેખાને એક જ પરિમાણ હોય છે. અને પરિમાણ કયું? તો લંબાઈ. રેખાને કયું પરિમાણ, કેટલા પરિમાણ હોય છે? તો એક જ. એટલે આ રીતે મિત્રો આમાં ચારે ચાર. બિંદુને એક પણ પરિમાણ હોતું નથી, એટલે કે લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ કશું હોતું નથી. રેખાને એક પરિમાણ હોય છે. પછી સમતલ એટલે કે પૃષ્ઠને સપાટીને બે પરિમાણ હોય છે, લંબાઈ અને પહોળાઈ. અને ઘનને ત્રણ પરિમાણ હોય છે, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. એટલે મિત્રો આ પ્રકરણમાં આ રીતે પરીક્ષામાં હેતુલક્ષિત પૂછાય છે. વિભાગ એની અંદર એક પ્રશ્નનો એક માર્ક્સ, એક ખાલી જગ્યા પૂછાય અથવા એક ખરું ખોટું પૂછાય, એમ કરીને કુલ આ ચેપ્ટરમાંથી તમને ઓબ્જેક્ટિવ જ પૂછાય છે. એટલે તમારે આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આમાંથી બીજા કોઈ દાખલા બીજું કશું આમાં છે નહીં. તમારે આટલું તૈયાર કરવાનું છે. એટલે મિત્રો આને સારી રીતે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે એક વખત નોટમાં લખી જઈ અને બધું જ મોઢે કરી જવું, અને ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ સભ્યને, વડીલ સભ્યને આપણે આ મોઢે આપી દેવું. થેન્ક યુ.